आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दोपहर के फटाफट खबरों का। ब्रसेल्स में कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ सड़कों पर उतरे आम लोग, 3 पुलिस अधिकारी सहित 12 लोग हुए घायल। पीएम नरेंद्र मोदी ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर निशाना साधा और कहा कि स्वतंत्रता के बाद देश की संस्कृति और मूल्यों के अलावा कई महान लोगों के योगदान को मिटाने की कोशिश की गई थी। कोविड-19 पॉजिटिव हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, संसद के 875 कर्मचारी अब तक हो चुके हैं संक्रमित। भारतीय सार्स कोव 2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम ने अपने साप्ताहिक बुलेटिन में कहा है कि देश में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट सामुदायिक प्रसारण यानी कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन के चरण में है। उत्तर भारत के पहाड़ों में हिमपात और दिल्ली NCR समेत मैदानी क्षेत्रों में पड़ रही रिकॉर्ड बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। वहीं दिल्ली में इस साल जनवरी में 122 साल के रिकॉर्ड को तोड़ा गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि हानिकारक गैसों का उत्सर्जन रोकने के लक्ष्य को प्राप्त करने में निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की आज अहम बैठक होगी, जिसमें 5वें, 6ठे और 7वें चरण के उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा होगी। आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के आत्मकुर गांव में हुए हिंसा मामले में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर ने जगनमोहन रेड्डी सरकार के नेताओं पर साजिश रचने का आरोप लगाया। यूपी के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा नफरत फैलाती है, जबकि समाजवादी जो कहते हैं वही करते हैं। बिहार के डीएम जी कृष्णैया मामले में पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को पूर्व सांसद और उनकी पत्नी लवली आनंद ने कहा कि उनकी रिहाई के लिए सदन से सड़क तक संघर्ष होगा। इसके लिए 23 अप्रैल को सिंह गर्जना रैली का आयोजन किया जाएगा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 2017 में जब पार्टी भारी बहुमत से जीती थी तो नवजोत सिंह सिद्धू को मंत्री बनाने के लिए पाकिस्तानी पीएम इमरान खान और उनके करीबियों ने जमकर लॉबिंग की थी। हरियाणा सरकार ने 2 IAS अधिकारियों और 14 HCS अधिकारियों का तबादला करते हुए नए जगह पर नियुक्तियाँ दी है। उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू 23 जनवरी तक बढ़ा दिया है। इसके तहत सभी स्कूल, आंगनवाड़ी कार्यालय बंद रहेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विभिन्न जिलों में 14 राइस मिल का आज शिलान्यास करेंगे, जहां राइस मिल खुलने से झारखंड के किसान पहले से ज्यादा धान बेच सकेंगे। धर्म संसद में महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी काली चरण को आज छत्तीसगढ़ के रायपुर की कोर्ट में पेश किया जाएगा। उन्हें 24 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। मध्य प्रदेश के भोपाल में 6 अस्पतालों में जांच का समय बढ़ा दिया गया है। अब सुबह 9 बजे से रात्रि 11 बजे तक कोरोना की जाँच होगी। हिमाचल प्रदेश में भारी हिमपात से बढ़ी मुश्किलें। हिमपात बारिश के कारण प्रदेश में 731 सड़कें बंद कर दी गई है, जबकि कई क्षेत्रों में बिजली भी नहीं आ रही। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन के पास पंती हाल में एक ट्रक के कारण हजारों वाहन रुका हुआ है। दरअसल पहाड़ों से पत्थर गिरने से सड़क में गड्ढे बन गए हैं और गड्ढे में राशन से लदा ट्रक फंस गया है, जिसे आज भी निकालने की कोशिश की जाएगी। अगर आज नहीं निकल पाई तो ट्रक को खाई में गिराया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में भारतीय नौसेना के प्रमुख बेस INS नेताजी सुभाष में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती उत्साह के साथ मनाई गई। उड़ीसा के राउरकेला इस्पात संयंत्र ने उत्कृष्टता के लिए सेल निगमित पुरस्कार 2021 के तहत सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र का खिताब जीता। महाराष्ट्र के पुणे अहमदनगर रोड पर एक ट्रक ने कार और 2 बाइक में टक्कर मार दी, जिससे 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 5 घायल हो गए हैं। गुजरात में जूनागढ़ के शक्करबाग चिड़ियाघर के शेर व तेंदुओं को भी कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति मांगी गई है। राजस्थान के जोधपुर में एक पुलिसकर्मी मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त पाया गया, जहां कांस्टेबल को 23 किलो डोडा पोस्त के साथ पकड़ा गया है। ठंड के मौसम में मूली जरूर खाएं, क्योंकि मूली में एंटी कंजेस्टिव गुण होते हैं, जो बलगम को गले से साफ करने में मदद करता है।
एनटीपीसी में जनरल सर्जन और स्पेशलिस्ट के पद पर वैकेंसी निकली है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट career.ntpc.co.in पर 27 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय बल्लेबाज और कप्तान केएल राहुल के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड। वे पहले भारतीय कप्तान हैं जिन्होंने पहले 3 मैच में हार का सामना किया। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने पहली मैरिज एनिवर्सरी के मौके पर शेयर की खास तस्वीरें, जिन्हें बॉलीवुड के सेलिब्रिटी ने दी शुभकामनाएं। तो ये थी दोपहर की फटाफट खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।